इदारे हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, जो मालकान है, वो अपने आप को इस काबिल नहीं पाते कि उन नामों को वो डिस्क्लोज कर सके। लिहाजा पब्लिक के लिए वो नामालूम रहते हैं, हमारे लिए वो नामालूम नहीं है। यहां पर बहुत सी बातें होंगी, फवाद चौधरी साहब उसका जवाब देंगे, एहसन इकबाल साहब भी मौजूद हैं, रजा रबानी साहब भी मौजूद हैं। ये जो आज क्राइसिस है मीडिया में, इसका आगाज इस दौरे हुकूमत में नहीं हुआ, इसका आगाज पिछले कुछ साल में हुआ। जैसा कि जैदी साहब ने भी आपको बताया कि जो वाजबात है ये तकरीबन 6 अरब रुपए के करीब है और ये 5 साल से ये वाजबुल अदा है। आपको याद होगा कि 2017 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त भी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए कुछ टीवी चैनल्स जो है उनको जब बंद किया गया तो हमने सूरत मीडिया कैंप के जरिए एहतजाज किया था। वो सूरत हाल जो है ना वो अभी तक बरकरार है। वो सूरत उस वक्त जो शुरू हुआ था वो किस्तों में अभी तक चलता आ रहा है। तो ये जो मीडिया की किस्तों में मौत वाकया करने की कोशिश हो रही है, इसके लिए हम सबको मुत्तहिद होना है और इसके लिए हमें पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करना है कि जिनको हम समझते हैं कि वो इसके जिम्मेदार है उनसे भी जाके बात करें। और इसीलिए जैदी साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और ये जो लॉन्ग मार्च है ये क्वेटा से शुरू होगा और जब कराची पहुंचेगा तो वहां पर सिंध गवर्नमेंट के साथ भी बात की जाएगी। ये मत समझे रजा रबानी साहब कि मसला सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, मसला सिंध गवर्नमेंट के साथ है, सूबाई हुकूमतों के साथ भी है, क्योंकि सिंध में भी हमारे जो बहुत से सहाफी साथी हैं वहां पर भी उनके खिलाफ जब वो सच लिखते हैं तो उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं। इस वक्त भी मेरे पास कुछ नाम मौजूद हैं, कल भी एक सहाफी के खिलाफ वहां पर एक नाजायज मुकदमा सिंध पुलिस ने दर्ज किया है। तो ये जो लॉन्ग मार्च होगा इसका टारगेट जो है वो कोई एक हुकूमत या एक पार्टी नहीं है, वो सब लोग हैं, वो तमाम कूदे जो मीडिया की आजादी से खुश नहीं है या जो समझती है कि ये मीडिया की आजादी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, उनको हमने बताया कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट कोई चीज नहीं है, असल चीज पाकिस्तान का पब्लिक इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की पब्लिक का जो मुफाद है वही हमारा असल में नेशनल इंटरेस्ट है और पब्लिक इंटरेस्ट इज सुप्रीम। नेशनल इंटरेस्ट आपके लिए सुप्रीम होगा, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1973 का आईन उसको सामने रखते हुए हमारे लिए सुप्रीम पब्लिक है, क्योंकि नेशन बनती है पब्लिक से। तो जब पब्लिक का मुफाद जो है वो ऊपर आएगा तो पब्लिक का मुफाद जो है वही नेशनल इंटरेस्ट है। यहां पर ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंसरशिप की यहां पर बात हो रही थी तो ये सेंसरशिप भी जो है ये पिछले 5-10 साल में शुरू नहीं हुई। मजहर अब्बास साहब जो है उन्होंने जिक्र किया कि जो आर्टिकल 19 है ये 1956 में जो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें ये आर्टिकल 19 शामिल किया गया था और पीएफयूजे का मुतालबा था। लेकिन ये जो आर्टिकल 19 है जो आज भी मौजूद है 1973 के आईन में भी मौजूद है, इसको अगर आप गौर से पढ़ें, मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता, कई दफा पढ़ चुका हूं, आप इसको जरा गौर से पढ़ लें, इसके अंदर 8-9 पाबंदियां मौजूद हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स के नाम पर, शरायत के नाम पर, और उसमें एक पाबंदी यह भी है कि आप किसी दोस्त मुल्क पर अगर तनकीद करते हैं तो उस पर भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या ये आर्टिकल 19 जो है ये आजादी इजहार की जमानत दे रहा है, क्या ये आजादी इजहार का तहफुज कर रहा है या आपसे आजादी इजहार छीन रहा है? मेरा ख्याल है कि दोस्त मुल्क पर जब तनकीद की बात होती है तो इंडिया के साथ अभी भी पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो अभी आपने रिसेंटली एक उनके साथ सीज फायर मुआहदा कर लिया है, आने वाले दिनों में अगर आपके मामला मजीद आगे चलते हैं और कोई आदमी जो है वो उसमें तनकीद कर देता है तो आप उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, कोई अमरीका पर तनकीद कर दे, कोई सऊदी अरब पर तनकीद कर दे तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं और ऐसे वाकयात हुए हैं। तो इसलिए पोलिटिकल पार्टी से ये गुजारिश है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, कि जब आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर एक दूसरे के साथ बातचीत का इनिशिएटिव लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको बातचीत जरूर करनी चाहिए, तो जरा कभी उसमें आर्टिकल 19 जो है उस पर भी गौर करें कि आर्टिकल 19 में जो आजादी इजहार पर कदगने लगी हुई हैं 8-9, कम अज कम उनमें से 3-4 कदगने तो खत्म करें ताकि वाकई आप इंटरनेशनल फोरम्स पर फखर के साथ सीना तान कर ये कहें कि ये जो पाकिस्तान के आईन में जो आर्टिकल 19 है ये बाकी आजादी इजहार का तहफुज फराहम करता है।
तो ये बड़ा जरूरी है, इसके लिए एक हमें लंबी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और इसीलिए नासिर जैदी साहब ने एक लॉन्ग मार्च की बात की। और मैं यही कहूंगा फवाद चौधरी साहब से कि जो बातें यहाँ पे हो रही हैं जरा उनका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें और बात को आगे जरूर पहुंचाएं। और चलते चलते सिर्फ यही कहूंगा कि आजादी तो है लेकिन वो आजादी मुहासरे में है, वो मुहासरा वही है जो अहमद फराज साहब वाला मुहासरा है। तो मुहासरे के अंदर हम आजादी इंजॉय कर रहे हैं, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि बराए करम मुहासरा खत्म कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मीर साहब। आज इस मौके